नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3S ट्रेवल में। आज हम आए हुए हैं माँ अन्नपूर्णा देवी के प्रांगण में लगी प्रदर्शनी को देखने के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो बड़े बड़े झूले, खान पान के लजीज वेंडर, हैंडीक्राफ्ट के सामान देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे तो एक तरफ महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के लिए स्टोर्स, कटलरी सामान, बच्चों के खिलौने, तरह तरह के वस्त्र परिधान की दुकानें देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर सॉफ्टी, सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान और पान की दुकान भी मिलेगी। यहाँ हर फ्लेवर की सॉफ्टी और सॉफ्ट ड्रिंक मिलेंगे। इसी लेन को कंटिन्यू करके आगे चलेंगे तो बच्चों के झूले, जैसे आप देख भी सकते हैं, तरह तरह के झूले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगली दुकान फायर एयरगन की दुकान भी मिलेगी। यहाँ पर 30 रुपए के 10 एयरगन शॉट आप कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने और मेरे सहयोगी ने राइफल से निशाना साधा है। कुछ शॉट मेरे भी हिट हुए, पर मेरे सहयोगी के देखेंगे तो पूरी तरह से सारे शॉट हिट हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ने पर आपको छोटा सा पॉन्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चे बोटिंग करते हुए दिखेंगे। जब भी आप भी यहाँ पर आते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर आएं, क्योंकि बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी की गई है। तरह तरह के झूले, जिनमें आपने रेलगाड़ी देखी थी, और रेलगाड़ी के क्रम के आगे बढ़ने पर आपने ये जो पॉन्ड सा देखने को मिल रहा है, इसे बच्चे काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ इस पॉन्ड का इंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर एक गोल सा बड़ा झूला देखने को मिला। देख सकते हैं काफी ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है। मैंने और मेरे दो सहयोगी ने इसे ट्राई भी किया था, काफी एडवेंचरस देखने को मिला। मैंने लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। मैंने जो अपने अनुभव देखने को जैसे भी एक्सपीरियंस किए हैं, वो आप वीडियो क्लिप के थ्रू आप भी देख सकते हैं। हम लोग झूले पर, जिसका हम लोग सबरी से इंतजार भी कर रहे थे, और पहली बार यहाँ पर हम चले हैं। जैसा कि आप मेरी आवाज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय हमें थोड़ा एंजाइटी भी फील हो रही है, और क्या लगता है कि अभी हम झूले को पूरी तरह से अच्छे से झूल सकते हैं। आप मेरे जो इमोशंस हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक पहली बार है, और कभी भी इतना बड़ा झूला क्या हमने कभी देखा भी नहीं है। पहली बार ही झूले पर यहाँ झूले आए हुए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह का एडवेंचर हमको देखने को मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। मिट्टी पर नीचे जाने पर काफ़ी डर लग रहा है, तो स्पीड भी ज़्यादा इसकी चल रही है। अभी मैं इसको, जो डर लग रहा है, जो उसको हम अपने बातों से बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़्यादा इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी बातों पर ही यहाँ पर अपनी बातों के जरिए से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डर ज़्यादा लग रहा है। अपने मन को भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उसका भी अगर उम्र की बात करें तो ज़्यादा उम्र नहीं है। हम लोग पहली बार ही हम दोनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और एक्सप्रेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम लोग हाईएस्ट पीक पर हैं। और एक्सप्रेस की बात करें, आपने देखा कि काफ़ी मज़ा भी आया और डर भी, और कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत है। तो आई थिंक एक जो मज़ा, जो पैनिक होने में जो मज़ा आता है, तो पूरा एडवेंचर हम लोगों को देखने को मिला। और हमारे एक और साथी हैं, वो इस समय वहाँ दूसरे वाले झूले पर, एक झूले पर अगर बात करें तो एक ही, एक जो बॉक्स होता है इस पर दो ही लोग झूल सकते हैं। हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किया था कि आप हमें तीन लोग को एक कैबिन में भेजिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तीन लोग को नहीं भेजा जा सकता है। तो हम लोग अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, तो इस झूले के साथ साथ, तो
अभी देखते हैं और यहाँ से पूरा ओवर व्यू आप देख सकते हैं। आई थिंक हमारा पूरा प्रांगण आपको देखने को मिलेगा, अन्नपूर्णा का पूरा दरबार यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो ये सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ऊंचाई पर जाने पर आपको डर नहीं ज़्यादा लगता है, जब ऊंचाई से नीचे की ओर आप जाएंगे तो उस समय ज़्यादा डर लगता है। तो अभी तो आप थोड़ा हल्का डर लग रहा है, हमारी बात के साथ साथ आप देख सकते हैं तो ओवरऑल आपने देखा प्रदर्शनी काफी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, बच्चों के मनोरंजन के साधन की व्यवस्था की गई है, साथ साथ तरह तरह के लजीज वेंडर भी यहां पर स्टॉल लगे हुए हैं। आप यहां पर अपनी फैमिली के साथ आइए और जरूरी सामान भी यहां से आप परचेसिंग कर सकते हैं, जैसे यहां पर आपने कटलरी के सामान देखे थे। कटलरी के सामान के साथ साथ अन्य तरह की भी दुकानें थी, बच्चों के खिलौने की दुकानें और बच्चों के खिलौने के साथ साथ परिधान की दुकानें, और साथ साथ में यहां पर काफी अच्छी व्यवस्था शासन प्रशासन की भी तरफ से देखने को मिली थी। आप किसी भी तरह के वाहन के साथ यहाँ आ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।